पेपर वन पेपर टू का डेली वीडियो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन पेपर टू का फुल कोर्स पीडीएफ ले सकते हैं या घर बैठे बुक्स भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा या व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर के ऊपर। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कार्ल मार्क्स। जो कार्ल मार्क्स हैं वो कम्युनिज्म जो हैं उनके फाउंडर हैं और उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी, जैसे कि दास कैपिटल हो गई, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो हो गई। और मोस्टली उनकी जो थ्योरी है वो पुअर और रिचर ग्रुप्स के लिए है, कि कैसे जो रिच हैं वो पुअर को डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कैसे उनकी डोमिनेशन होती है। तो उनकी थ्योरी सारी इस पर ही है। सो लेट्स स्टार्ट विद मार्क्स। मार्क्स जो हैं वो मैंने अभी बताया कि कम्युनिज्म के फाउंडर हैं। पॉलिटिक्स टू मार्क्स वाज रैप्ड अप इन इकोनॉमिक्स एंड सोशल कंडीशंस, और उन्होंने इसमें इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस भी अप्लाई की हैं। पॉलिटिक्स के साथ साथ उन्होंने इकोनॉमी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो रिच क्लास है वो हमेशा ही डोमिनेट करती है पुअर क्लास को, तो इसमें इकोनॉमिक्स भी आ गई। कार्ल मार्क्स जी जो हैं उनका जन्म हुआ था 1818 में और उनकी डेथ हुई थी 1883 में। ठीक है, वो एक जर्मन फिलोसोफर हैं, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट भी हैं और एक रेवोल्यूशनरी भी हैं 19th century के। बोथ अ स्कॉलर एंड अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, मार्क्स इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, उन्हें फादर ऑफ कम्युनिज्म भी कहा जाता है क्योंकि उनके जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल बेस हैं उनके कम्युनिज्म के अलग अलग फॉर्म्स हैं। मार्क्सिज्म द फिलोसफिकल एंड पोलिटिकल स्कूल और ट्रेडिशन हिज वर्क गेव राइज टू इज अ वराइटी ऑफ रेडिकल और रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म कंसीव्ड एज अ रिएक्शन अगेंस्ट कैपिटलिज्म एंड लिबरलिज्म ऑफ 19th century। ठीक है, तो ये क्या था, एक ऐसा ट्रेडिशन था, रेवोल्यूशन थी जिसमें जो कि चेंजेस चाहते थे, एक सिस्टमेटिक अंडरस्टैंडिंग थी इसमें, जो है हिस्ट्री भी थी। Especially with the Russian Revolution of 1917, मार्क्स जो हैं उन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे किससे, जो रशियन रेवोल्यूशन हुई थी 1917 से। तो उन्होंने बहुत सारी जो है राइटिंग्स भी लिखी, मैंने अभी बताया था। हाउ टू अप्लाई हिज कंसेप्ट टू करंट इवेंट्स एंड कंडीशंस, देयर आर फ्यू पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड विच हैव नॉट बीन सिग्निफिकेंटली टच्ड बाय मार्क्स आइडिया। उन्होंने मतलब मोस्टली सब कुछ लिखा है, तो कुछ ऐसे जो पार्ट हैं या कुछ आइडियाज़ हैं वो कम ही हैं जो उन्होंने टच नहीं किया, जिसके बारे में उन्होंने नहीं लिखा। ठीक है, तो अब हमने ऊपर पढ़ाई है कि उनका जो बर्थ है वो 1818 में हुआ था, दैट वॉज 5th May 1818। ठीक है, कहाँ हुआ था, पर्शिया में हुआ था। वो थर्ड थे, द थर्ड ऑफ 7 चाइल्ड ऑफ द ज्यूइश फैमिली। हिज फादर हेनरिच मार्क्स वॉज डिसेंडेड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ऑफ ज्यूइश रैबिस बट कन्वर्टेड टू ल्यूथरन क्रिश्चियनिटी इन ऑर्डर टू कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग लॉ। ज्यू थे पहले वो, फिर बाद में उन्होंने क्रिश्चियन उन्हें बनना पड़ा। हिज मदर वॉज हेनराइट पैसोबर्ग। मार्क्स वॉज एजुकेटेड एट होम अंटिल द एज ऑफ 13। 13 की एज तक जो है वो घर पर पढ़े, फिर बाद में जो है ट्रायर जिमनाजियम जाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है, 1835 में जब वो 17 ईयर के थे तो वो यूनिवर्सिटी गए थे, दैट वॉज बॉर्न टू स्टडी लॉ, मतलब उन्होंने लॉ की स्टडी की थी पूरी। हाउएवर ही डिडंट परस्यू हिज स्टडीज वेरी डेलिगेंटली एंड हिज फादर मूव्ड हिम द नेक्स्ट ईयर टू द मोर सीरियस एंड एकेडमिकली ओरिएंटेड हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी इन बर्लिन। बाद में उन्हें हम्बोल्ट यूनिवर्सिटी में जो है आगे उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। ठीक है, फिर ये आगे उन्होंने ये बताया हुआ है कि कैसे उन्होंने यंग हेगलियंस जो है उन्हें उनकी फिलॉसफी यंग फिलॉसफी दी उन्होंने। ठीक है, हीगल वाली, द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड एपिक्यूरियन फिलॉसफी ऑफ नेचर। ठीक है, उन्होंने फिर उसके बाद ये भी थ्योरी दी, कौन सी थी, द डिफरेंस बिटवीन द डेमोक्रेटिक एंड एपिक्यूरियन फिलॉसफी ऑफ नेचर। इन 1843 ही मैरिड जेनी वॉन वेस्टफेलन, द एजुकेटेड डॉटर ऑफ अ पर्शियन बैरन। फिर 1843 में उनकी जो है शादी हो गई। वो एक जर्मन के रेवोल्यूशनरी थे। ठीक है, इन 1843 मार्क्स मूव टू पेरिस। 1843 में वो पेरिस चले गए थे और उन्होंने काम किया था अर्नोल्ड ड्रू के साथ। उनका पॉलिटिकल जर्नल था ड्यूज फ्रेंजोसाइज और जैज बर्चर। ठीक है,
तो उस टाइम पे जो एंजल्स हैं उनके साथ उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी और उन्होंने वर्क भी लिखा था, द कंडीशन ऑफ द वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड इन 1844। ऐसे उनके बहुत सारे वर्क्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन एक वर्क जो उनका फेल भी हो गया था जो हमने ऊपर ही पढ़ा, ड्यूज फ्रेंजाइज जहरबर्च, ठीक है, जहरबर्च, तो ये जो है फेल हो गया था। इकोनॉमिक एंड पोलिटिकल मैन्युस्क्रिप्ट इन द सेम ईयर मार्क्स हिमसेल्फ बिकेम ए कम्युनिस्ट, वो भी कम्युनिस्ट बन गए थे एंड सेट डाउन हिज व्यूज इन द राइटिंग्स। फिर आगे उन्होंने जो है राइटिंग दी, कौन सी बुक लिखी थी, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ 1844। इन जनवरी 1845 मार्क्स एंड एंजल्स एंड मैनी अदर वर ऑर्डर टू लीव पैरिस, उन्हें ऑर्डर किया गया मार्क्स और एंजल्स को कि वो पैरिस को छोड़ दें, ठीक है। तो एंजल्स जो हैं बेल्जियम चले गए थे, जो मार्क्स हैं वो हिस्ट्री के बारे में जानने लगे, पढ़ने लगे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में पढ़ने लगे, ठीक है। मार्क्स सबसे पहले जो स्टार्टिंग की थी तब बताया था कि मार्क्स की बुक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। 1848 में मार्क्स ने फिर ये वाली बुक लिखी थी, कम्युनिस्ट लीग के पर ही थी, ये भी सारी कम्युनिज्म पर ही थी क्योंकि मार्क्स जो है कम्युनिस्ट के फादर कहे गए हैं। ही वॉज इन्वाइटेड टू रिटर्न टू पैरिस बाय द रेडिकल मूवमेंट दैट हैड सीज्ड पावर फ्रॉम किंग लुईस फिलिपे, तो रेवोल्यूशनरी थी तो राजा जो है कई बार उन्होंने सीज कर दी उसकी पावर को, मार्क्स की पावर को। This time in May 1849 he sought refuge in London where he was to remain for the rest of his life, ठीक है। बाद में वो लंदन में ही रहे थे अपनी पूरी ज़िंदगी, बहुत गरीबी की ज़िंदगी उन्होंने देखी है, ठीक है। मार्क्स वर्क फॉर अ टाइम एज कॉरेस्पॉन्डेंट फॉर द न्यू यॉर्क ट्रिब्यून इन लंदन, बट द मेजर सोर्स ऑफ इनकम वॉज एंजल्स हु वॉज ड्रॉइंग अ स्टेडली इंक्रीजिंग इनकम फ्रॉम हिज फैमिली बिजनेस, ठीक है। एंजल्स के थ्रू ही उनको सोर्स ऑफ इनकम आ रही थी क्योंकि वो कमाते थे मोस्टली। सो 1850 से 1860 में मार्क्स जो है अपने उन्होंने राइटिंग लिखनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि मैंने पहले बताया था उन्होंने दास कैपिटल लिखी थी, ये उन्होंने तब जो है लिखी थी 1867 में लिखी थी उस टाइम पर। However, Marx was also devoting much of his time and energy during his period to the First International, to whose General Council he was elected at its inception in 1864. He was particularly active in preparing for the annual congresses of the International and in leading the struggle against the anarchists. ठीक है, तो जो वो elect किए गए थे उनके लिए काम कर रहे थे वो, और वो चाहते थे कि anarchy ना हो, किसी भी तरीके की अराजकता ना हो। आगे उन्होंने बहुत सारे पैम्पलेट्स भी जो हैं बांटे हैं, जैसे कि द सिविल वॉर इन फ्रांस उन्होंने लिखा है। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ हिज लाइफ मार्क्स हेल्थ डिक्लाइंड एंड ही वाज इनकैपेबल ऑफ द सस्टेन्ड एफर्ट्स, ठीक है। जब उनकी डेथ होने वाली थी तो वो इतने एफर्ट्स नहीं कर पाते थे, उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी और उनकी डेथ हो गई थी 1883 में। और जो उनके मेन वर्ड्स थे वो थे द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो वर्कर्स ऑफ ऑल लैंड्स यूनाइट, वो चाहते थे कि सभी जो हैं सभी लैंड्स के वर्कर्स जो हैं वो यूनाइट हो जाएं। और उनके टॉम्बस्टोन में भी ये जो वर्ड्स हैं उनके लिखे हुए हैं। एज अ फिलोसोफर मार्क्स वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अ नंबर ऑफ डिफरेंट थिंकर्स, मार्क्स जो हैं बहुत सारे थिंकर्स से प्रभावित हैं, जैसे कि इमैनुअल कांट हो गया, हेगल हो गया, ठीक है, और ब्रिटिश पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स जो एडम स्मिथ हैं, रिकार्डो हो गए, साइमन हो गए, रोसियो हो गए, तो इन सबसे वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। Some have argued that Marx's original contribution to philosophy were extremely limited. कुछ कहते हैं कि इन्होंने सब कुछ हीगल से ही लिया है, बाकी सब जो इनकी व्यूज़ हैं वो तो कुछ भी नहीं है, सारा कुछ अडॉप्टेड ही है, ठीक है। As a young man to Humboldt and Jena universities, Marx became involved with the aesthetic young Hegelians, particularly Feuerbach and Marx's trainer Amosis Haas, who had begun to adapt Hegelism. ठीक है, उनके जो फ्रेंड्स जो उन्हें मिले थे वो भी Hegelism जो है उसे अडेप्ट कर रहे थे। Stirner in particular inspired Marx epistemological break and he developed the basic concept of historical materialism in Die Deutsche Ideology. As early as 1845, although the manuscript was not actually published,
अनटिल लॉन्ग आफ्टर हिज डेथ, लेकिन डेथ से पहले जो है उनकी ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो नहीं छपी थी। आगे उन्होंने मोस्टली मेटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री दिया, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म दिया था, जैसे हमने हीकल कर चुके हैं, जैसे हीकल का था कि पहले पहले थीसिस होता है, फिर एंटीथीसिस होता है, फिर सिंथेसिस होता है, तो वैसे ही ये इनकी भी थ्योरी है, लेकिन इन्होंने टू में कर दिया था मेटेरियलिज्म का, रिच और पुअर में कि कैसे क्लास स्ट्रगल रहता है, ठीक है। द जर्मन आइडियोलॉजी एज वेल एज द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ऑफ 1847, ये भी मार्क्स और एंजल्स की ही बुक है। कौन कौन सी? द जर्मन आइडियोलॉजी, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ठीक है। ये जो है 21 February 1848 में जो है छपी थी। मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है क्लास स्ट्रगल चलता रहता है। कौन कौन सी क्लासेस हैं हमने पढ़ा था, डिक्टेटरशिप रहती है उनमें, प्रोलेटेरियट और बॉर्गेस, ठीक है, इनमें क्या है रहता है, तो इसमें ये सब भी दिया हुआ है। और फिर उसके बाद है कि ड्यूरिंग हिज टाइम इन लंडन इन 1860s मार्क्स कंटिन्यू टू मेक स्लो प्रोग्रेस, धीरे धीरे उनकी स्लोली जो है प्रोग्रेस होती गई। 1857 में भी जो है उनकी प्रोग्रेस हुई, फॉरेन ट्रेड की हुआ, मतलब कि उन्होंने फॉरेन ट्रेड किया, वेज लेबर के लिए काम किया, उन बहुत सारे जो हैं बुक्स भी उन्होंने लिखी। उन्होंने थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू दी, सरप्लस वैल्यू वाली जो थ्योरी है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरप्लस वैल्यू अगर हम कहें कि क्या है, सरप्लस वैल्यू वो वैल्यू होती है, जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं कि एक रुपया जो है वो चीज़ बनाने को खर्चा आएगा, लेकिन जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें वो चीज़ जो है वो 10 की मिलती है। जो बनाने का खर्चा आया उस व्यक्ति को सिर्फ एक रुपया मिलेगा, लेकिन जिसने जो है ये सारा अरेंज करवाया, लेबर वगैरह बन लगवाई, तो उन इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक होते हैं उनको ज़्यादा पैसे बचते हैं। तो ये सरप्लस वैल्यू की बात है, तो वो चाहते थे कि सरप्लस वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए एडम स्मिथ हो गए, रिकार्डो हो गए, बहुत सारे थ्योरिस्ट के साथ उनकी बातें हुई। दास कैपिटल में भी उन्होंने ये सब लिखा कि ये सब नहीं होना चाहिए सरप्लस वैल्यू, क्योंकि मार्क्स की अगर आप बात करोगे तो मार्क्स की घूम फिर के सिर्फ यही बात आती है, चाहे जितने मर्जी मार्क्स पर पढ़ लो, या तो उनकी बुक्स के बारे में पता चलेगा, तो यहाँ यही पता चलेगा कि जो है रिच और पुअर के बीच में डोमिनेंस उन्होंने बताया, ठीक है, कैपिटलिज्म के बारे में उन्होंने लिखा। तो अगेन अगर मार्क्स के थॉट्स हैं तो वो भी यही है कि कैपिटलिज्म है, ठीक है। तो जैसे हमने कहा था थीसिस होता है, सिंथेसिस, एंटीथीसिस होता है, सिंथेसिस होता है, ठीक है। वैसे उन्होंने हीगल से जो जो ये जो है अडेप्ट किया है। कैपिटलिज्म इट्सेल्फ इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन लॉर्ड्स एंड सर्फ, तो वो कहते हैं कि ये क्या है, लॉर्ड्स और सर्फ के बीच में क्या है, स्ट्रगल है, जो रिच और एक पुअर होते हैं उनके बीच में एक तरह का ये स्ट्रगल है। प्रॉफिट कौन लेता है, जो रिच होता है, ठीक है, लेबर को इतना प्रॉफिट नहीं मिलता। सरप्लस वैल्यू जो है वो किसको मिलती है, जो ज़्यादा रिच है, ठीक है। तो उन्होंने यही बात की है। सो उन्होंने फर्स्ट फ्रेज में ये भी कहा है, देयर वुड बी अ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियट इन विच द वर्कर्स वुड अज्यूम पावर इन ऑर्डर टू एलिमिनेट क्लास डिफरेंसेस, तो वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना रिच के साथ ना पुअर के साथ। रिच के साथ तो कमी होती ही नहीं है, तो वो कहते हैं कि जो रिच है पुअर के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो वो ना नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने स्लोगन भी लगाया था, फ्रॉम ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, कि जितनी एबिलिटी है और जितनी नीड है उसे उसके अकॉर्डिंग ही मिलना चाहिए। तो ये थे कार्ल मार्क्स। मेन जो कार्ल मार्क्स की दो बुक्स हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, और मोस्टली उनकी कम्युनिज्म थ्योरी जो है वो रिच और पुअर के अराउंड ही है। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।